हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अभी तक आप लोगों के पास सी के वाई सी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो किस तरीके से आप उसको चेक करेंगे कि आपके नाम से या आपकी आई डी पे सी के वाई सी सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है अगर बना हुआ है तो उसे किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले कि हम लोग आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स और वीडियोस लाते रहते हैं जिसकी जानकारी सीधा आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है उस ब्राउजर में आपको इस वेबसाइट को क्लिक कर देना है यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट के होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जो कि ये वेबसाइट देखने में ऐसी लगती है यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पर आपको के सर्विस का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने के सर्विस में जितना भी प्रोसेस है यहाँ पर आपका सारा नोट है यहाँ से आप रीड कर सकते हैं इसमें जैसे कि आपको नया सी के सी सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसे किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैसे उसका प्रोसेस होना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एज में मेंशन होना है और कैसे आपको डाउनलोड करना है सारा कुछ प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है बात कर लेते हैं आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि हमारे नाम से ही हमारी आईडी पे सी के वाई सी सर्टिफिकेट बना हुआ है नहीं बना हुआ है उसे कैसे चेक करेंगे तो सिंपल से हमको नीचे स्क्रॉल करना है यहां पर केवासी इंक्वायरी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको पेन नंबर यानी कि आपका जो पेन कार्ड है उसका नंबर यहां पर आपको इंटर कर देना है इस वाले कॉलम में आपको ये वाला कैप्चर इसमें एंटर कर देना है और सर्च नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना

कब इशू हुआ है यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं इशू डेट जो आपकी हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो तीन छः दो हज़ार उन्नीस और जो हमारा इशू हुआ है यानी कि एक्सेप्टेबल हुआ है वो पाँच सिक्स और दो हज़ार उन्नीस में हमारा एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ पर के वाई सी रजिस्टर्ड यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे आप तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि हमारे नाम या हमारी आई डी पे कोई भी सी के वाई सी सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है अब यहाँ हमको ये पता चल गया कि हमारा सी के वाई सी सर्टिफिकेट बना हुआ है अब इसको कैसे हमको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने की प्रक्रिया में हम आपको बता दें कि, कि किसी भी अपस्टोक वगैरह या किसी भी डीमेट अकाउंट या फंड अकाउंट आप ओपन करते हैं एस या एच डी एफ सी या अपस्टोक या किसी भी प्रकार का डीमेट अकाउंट या फंड अकाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक ई मेल डालनी होती है तो उस ई मेल के थ्रू आपको कंपनी जो है आपका जो सी सर्टिफिकेट होता है यानी कि सी के वाई सी सर्टिफिकेट होता है वो उसे भेज दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर हमने एक मेल आईडी अपनी जो है लॉगिन की हुई है यहाँ पर हम जैसे कि सर्च मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सी के वाई सी लिखेंगे और सर्च करेंगे अगर हमारी मेल आईडी पे किसी भी प्रकार का सी के वाई सी सर्टिफिकेट भेजा गया होगा यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर शो हो चुका है यहाँ पर जैसे हम इस पी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए डियर आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पर सेंट्रल के रजिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपके सामने रिकॉर्डेड के जो आपकी सी के है उसका यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक पी भी है इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर हमारे सामने उसका पासवर्ड मांगा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पासवर्ड देखने के लिए आपको इसमें सिंपल से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट कर देना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी जो सी के यानी कि सेंट्रल के रजिस्ट्री होती है ओपन होकर आ जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी के जो नंबर होता है यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर आपका नाम होगा डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पर जो रजिस्टर आपकी मेल है वो यहाँ पर शो होगी और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा यहाँ पर आपके एड्रेस प्रूफ अगर यहाँ पर किसी प्रकार का लगा होगा तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास कोई प्रूफ हमने नहीं दिया था तो यहाँ पर नॉट प्राइवेटेड का ऑप्शन दिख रहा है हालाँकि एड्रेस वगैरह सारा का सारा हमारी सर्टिफिकेट में क्लियर है तो दोस्तों इस तरीके से आपको मेल के द्वारा आपकी जो सेंट्रल केवाईसी सर्टिफिकेट होता है उसे भेज दिया जाता है आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना या पूछना ना भूलें।